प्रथम चरण के प्रचार अब समाप्ति की ओर है। 30 तारीख को वहाँ मतदान है और अभी नामांकन भी चल रहा है। तो प्रथम चरण के जहाँ मतदान होने हैं वहाँ भी मैंने सभाएं की है और जो तृतीय चरण के जहाँ चुनाव होना है वहाँ भी सभा हुई और नामांकन रैली में भी हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ और रघुवर दास के खिलाफ विशेष रूप से लोगों की नाराज़गी है और इस समय वहाँ जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी जितने सहयोगी दल थे वो सब उसके साथ छोड़ चुके हैं। चाहे आजसू की बात करें चाहे दूसरे उनके जो सहयोगी दल हैं जनता दल और जो लोक शक्ति लोक जनशक्ति पार्टी वो भी छोड़ चुकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसे भी ख़राब हो गई है और स्थिति और भी बद से बदतर तब हुई है जब सरजू राय ने काल ठोक के रघुवर दास के खिलाफ नामांकन भर दिया जो उसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो इससे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन तो निश्चित दिखाई दे रहा। जो गठबंधन है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड राजद का, ये तीनों मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके संभावनाएं बलौती हो जाती है। देखिए मैं शुरू से यहाँ भी बोल रहा था जब ये लोग गांधी जी 150वीं जयंती मना रहे थे और गांधी जी को अपनाना चाहते, बहुत अच्छी बात है लेकिन गोडसे मुर्दाबाद तो बोलिए, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद बोल नहीं पा रहे हैं और इसके जुबान पे तो गांधी का नाम है लेकिन दिल में गोडसे है और यही कारण से प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, करने की हिम्मत भी नहीं, क्योंकि इनके जो आदर्श पुरुष गोडसे ही है, सावरकर है और इनके जो राष्ट्रवाद है वो हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित है। ये आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, आज उनको एक समिति से भी निकाल दिया। समिति से निकालना कोई वो तो समिति से तो ऐसे हट के रहते हैं, किसी अधिकारी की ट्रांसफ़र कर दो तो उसका मतलब सजा थोड़ी हो जाती है। तो वैसी है, लोगों को ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार से किया, यदि दूसरे हो तो उसको इस्तीफा मांग लेते और उनके खिलाफ कार्रवाई करते। जी सर, क्या कर रहे हैं? मुंबई दौरा जो है स्थगित हुआ है कैसे? क्योंकि वहाँ भी जलेश्वर महतो के नामांकन रैली में मुझे जाना था तो एक ही जगह जा पाऊँगा, तो धनबाद गया था तो काफ़ी दूर पड़ता है, रांची से भी 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम है, इस कारण से वहाँ नहीं जा पाया। जो वास्तविक जो रकबा है जितने में बोए हैं उतने के तो धान खरीदेंगे। मान लो किसी के पास ज़मीन है 15 एकड़ और उसमें बगीचा भी है, उसमें तालाब भी है, वो पानी के नीचे भी है, बहुत सारे ऋण पुस्तिका में इस प्रकार से रहता है, तो वो जो तालाब है बगीचा है पानी के नीचे है पड़त है या दूसरे कोई फसल लिए हुए हैं तो उसका धान तो नहीं खरीदा जाएगा। सर आज एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिला सर कि विधानसभा में पूरा कार्य छत्तीसगढ़ी में हुआ, राजभाषा दिवस भी है। सर आपने छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे आप? अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत बहुत बधाई कि आज छत्तीसगढ़ी में विधानसभा कार्रवाई संपादित करी से एक बार बहुत बहुत बधाई और सबों सदस्य मन जिन छत्तीसगढ़ी में अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में भाग ली से एक बार बहुत बधाई। यहाँ भी बढ़ गया, प्याज का भाव पूरे देश में बढ़ रहा है, झारखंड में भी 100 रुपये बिक रहा है और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको समाप्त कर दिया गया है और ये नियंत्रण करने का काम केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ना दाल की कीमत कम कर पा रहा है, नियंत्रित कर पा रहा है ना प्याज का, और उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार को करना चाहिए। मैं भी केंद्र सरकार को पत्र लिखूंगा।